आठ नौ महीना की ये बच्ची है और इसके पिता जी उसी ट्रेन हादसे के शिकार हो गए। पति कहाँ गए थे आपके? कमाने के लिए। क्या हुआ? आंसू पोंछ लीजिए चाचा, आंसू पोंछ लीजिए। कोई नहीं है। पति कितना दिन पहले गए थे कमाने के लिए? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10-15 दिन हुआ। 10-15 दिन वहाँ पूरा की हजारों हजारों लहास एकदम पड़ल है। हाँ। हाँ, बालू ऐसा। ये चिराग पासवान जी का संसदीय क्षेत्र जमुई है। चिराग पासवान जी, आपको महेशा पत्थर गांव में आना चाहिए, चकई प्रखंड के। रात भर रहे, रात भर ढूंढे, दिन भर ढूंढे, फिर भी आपका बेटा नहीं, बेटा नहीं मिला। मेरा बेटा मर गया, कमाने के से घूर रहा था, ट्रेन से उलट गया था, मेरा बेटा मर गया। हम गए वहाँ पर तो इसके बाद वहाँ नहीं मिला, ढूंढे वहाँ पर। हाँ, पूरा ढूंढे। बिहार के जमुई से ही 5 लोग बैंगलोर से कमा कर लौट रहे थे कि बालासोर ट्रेन हादसे में, हादसे का वो लोग शिकार हो गए। 5 लोग जो है उस हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से 3 लोग जिंदा लौट कर वापस अपने गांव साकुशल आ जाते हैं, लेकिन 2 में से 1 लोगों की मौत हो गई है और 1 लोग का अभी भी कुछ पता नहीं है, उनका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए। इसमें से वापस कौन लौटा है? अजीत टुडू। और तुम लौट के आए हो वापस? जी सर। और ये देखिए, ये जो बच्ची छोटी सी दिख रही है, 8-9 महीना की ये बच्ची है और इसके पिता जी उसी ट्रेन हादसे के शिकार हो गए और इनके पिता की मृत्यु हो गई है। ये उनकी पत्नी है और इसके बाद ये बच्चे की माँ है। जरा सोचिए, अभी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था, एक छोटी सी बच्ची है और पिता कमाने गया हुआ था, लेकिन ट्रेन हादसे में उसकी मृत्यु हो गई है, ये कन्फर्म हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज मुनेश्वरी। ये बच्चा आपका है? हाँ। पति कहाँ गए थे आपके? कमाने के लिए। क्या हुआ? वहाँ से आ रहा था तो एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से आ रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया। हाँ। कब शादी हुआ था आपका? 1-1.5 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया शादी को। ये आपकी ही बिटिया है? हाँ। तो अब पति तो है नहीं, अब कैसे घर चलेगा? सरकार से मदद, सरकार से मदद चाहिए आपको। हाँ सर। पति कितना दिन पहले गए थे कमाने के लिए? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10-15 दिन हुआ। 10-15 दिन बच्ची बीमार थी, देवघर में एडमिट थी, उसको देखने के लिए आ रहे थे। हाँ सर। देख सकते हैं, ये चिराग पासवान जी का संसदीय क्षेत्र जमुई है। चिराग पासवान जी, आपको महेशा पत्थर गांव में आना चाहिए चकई प्रखंड के, और आकर इस परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि इनको उम्मीद आपसे ही है और आखिरी उम्मीद आपसे ही है चिराग पासवान जी, क्योंकि ये आपका संसदीय क्षेत्र है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के परिवार से आकर मिलिए, क्योंकि यहां के 2 लोगों का पता नहीं है और 3 लोग जो है वो जिंदा वापस लौट कर आए हैं। बुढ़ापी है इनके पास, देखिए बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग गई है, इन्होंने अपना बेटा खो दिया है। चाची जो है, आपका कौन गायब हुआ है? मेरा बेटा था सर। आपका बेटा था? हाँ। तेज से बोलिए, जिंदा है या जो है मर गया? मेरा बेटा था, मेरा बेटा मर गया, कमाने के से घूर रहा था, ट्रेन से उलट गया था, मेरा बेटा मर गया। ट्रेन से उलट गए? उलट गए। कमाने जा रहे थे या कमा कर वापस आ रहे? वापस आ रहा था घर, बेटा अपन बेटा देखने के लिए, अपना बेटा देखने के लिए। ये आपकी बहू है? अच्छा, ये आपकी बहू है, वो आपकी पोती है? पोता है। पोता पोता है। अपना बेटा को देखने के लिए आ रहा? देखने के लिए आ रहा था। जरा सोचिए, एक बीमार बेटे को देखने के लिए एक बाप जो है इस उम्मीद के साथ आ रहा था कि हम अपने बेटे को देखेंगे और उसका इलाज करवाएंगे, लेकिन रास्ते में ट्रेन हादसा हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत। क्या नाम था बेटे का? राम किस्कू। राम किस्कू, जो जमुई के महेशा पत्थर गांव के रहने वाले थे। अब कमाने वाला कौन है? वही था सर, वही था कमाने वाला। मेरा मतलब देखिएगा, मेरा पति पत्नी तो बूढ़ा बूढ़ी गए, कौन पोसेगा? पोसने वाला वही था। हाँ। तो कौन अभी पोसेगा हमको? सरकार से पूछ ले जाता, हमको मदद दीजिए, हमको कौन पोसेगा? मेरा माँ बाप को कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली। कोई नेता नहीं आया देखने? नहीं आया देखो। कोई 1 रुपया भी नहीं मदद मिली? नहीं मिला है सर। जो है अच्छा, वो जो आपके बेटे थे, कितने भाई थे? 3 भाई था। 3 भाई। हाँ। थे। आपके पति नहीं है? मेरा पति है। कहाँ है? अच्छा, ये आपके पति है। हाँ। आप गए थे वहाँ पर ढूंढने के लिए? कैसे गए थे? हम वही गाड़ी करके हम गए थे, ऋण कर्जा करके। हाँ। कर्जा करके गए, क्योंकि लहास जब यहाँ तो देख रहे तो बेटा तो मान ले डेट हो गए। हाँ। तो डेट हो गए तो उसका तो आशा तोड़ दिए। हाँ। तो फिर भी हम समझे जो कि मेरा बेटा है तो अच्छा, उसका जीवन तो नहीं है, इसको लहास को उठा के ले आएंगे।
तो ये लेकर के हम गाड़ी कर्जा उर्जा करके हम गए वहाँ पर, तो इसके बाद वहाँ नहीं मिला। ढूंढे वहाँ पर? हाँ, पूरा ढूंढे। कितनी जगह जाकर ढूंढे थे? तीन जगह ढूंढे। तीन जगह, तीन अस्पताल में ढूंढे। कैसे ढूंढ रहे थे? सब वो खोज रहे हैं जो कि और खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा। इसके बाद एक जगह गए तो वहाँ पर कौन हॉस्पिटल बोलता है, वहाँ पूरा लोगों मान लीजिए कि हजारों हजारों लहास एकदम पड़ल है। हाँ, हजारों हजारों ट्रक से लेता है, रखता है वहीं पर। कभी हाईवे से लेता है तो उझल देता है बालू ऐसा, तो वहीं पर पूरे ढूंढे खोजे। मान ले उसको जैसे बोरा बना करके चेन वाला जो है ना, उसमें मान ले पैक कर करके वहाँ लेता है, वहाँ लगता है। इसके बाद जा करके चेनों भी खोल करके चेहरा को देखते हैं जो कि मेरा बेटा है कहाँ है कहाँ। ढूंढते ढूंढते तवा हो गए। 7 बजे तक वहीं पर हम रहे दिन रात, रात भर रहे, रात भर ढूंढे, दिन भर ढूंढे, फिर भी आपका बेटा नहीं, बेटा मिला। नहीं मिला। इसके बाद मतलब वो जो ताबूत बनाया गया था, बांधा गया था, उसको पट्टी खोल 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 करके, इसके बाद जब वहाँ लहास सब उठ गया, लहास एकोठो भी नहीं है रूम में, तो अंतिम में क्या कर रहे हैं फिर? जब लहासे यहाँ नहीं है तो क्या खोजेंगे यार, वहाँ तो सफाई हो रहा है यार। तो अच्छा, फोटो वोटो आया था वहाँ से? फोटो वोटो वही वही मोबाइल का फोटो से वहाँ से तो भेजवा भेज दिया था। कितना देर तक वहाँ रहे चाचा? वहाँ 10 घंटा तक रहे। 10 घंटा तक? हाँ, 10 घंटा। हर एक लाश को खोज रहे? हाँ, खोज रहे थे, पूरे एकदम खोज रहे थे लाश को, जो कि मिला नहीं। फिर भी सोचे एकदम रहेंगे जब तक जितना तक लाश नहीं उठेगा इतना तक खोजते रहो। जब अंतिम होगा तो वो तो लौटवे करेंगे। तो पूरे ढूंढ है, तब लहास वहाँ से सब उठ गया तो वहाँ क्या करे, तो अंतिम में हमको भी गाड़ी लेकर के चलने हुआ। एक और चाचा हैं जो बुजुर्ग हैं, इनका भी बेटा गया था कमाने, इनके बेटे का भी पता नहीं कु जिंदा है या मर गया, वो बेचारा लापता है। आंसू पोछ लीजिए चाचा, आंसू पोछ लीजिए। कोई नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, आपका बेटा है जो है। आंसू पूछे चाचा, रोइए मत, इस दुख की घड़ी में जो है रोना नहीं है। क्या सर, अभी अगर ऐसा रहता तो हम फाड़ के दिखा देते कैसे दिल जल रहा। चलिए, इस गांव में हम लोग थे, महेशा पत्थर गांव है। इस गांव में फिर बता दे कि 5 लोग कमा कर लौट रहे थे, 3 लोग जिंदा बच गए हैं, 1 लोग जो है लापता है, और 1 लोग का कंफर्म हो गया कि मृत्यु हो गई है। इस गांव से इस दर्द को दिखाने का प्रयास कर रहे थे और बताने का प्रयास कर रहे थे कि सरकार इस दर्द को आप भी महसूस कीजिए और बिहार के लोगों की जिम्मेदारी आप भी लीजिए। बिहार के लोग कब तक मारे जाएंगे, मरेंगे, और कब तक बिहार से बाहर जाकर कमाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।